धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में हरतालिका तीज का रथ जगा राजवाड़ा चौक में बेहद खास होता है, जहां निर्जला व्रत के बावजूद यहां भजनों की स्वर लहरियों और आतिशबाजी के बीच महिलाओं और युवतियों की भक्ति का उत्साह देखने मिला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को रात करीब 12:15 बजे राजवाड़ा चौक लगभग पूरा ही भर गया था। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे और फूल बरसाकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। राजवाड़ा के जनता चौक में आयोजित इस भव्य भजन संध्या में शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों की भी महिलाएं और युवतियां इसमें शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद शंकर लालवानी ने सभी मातृशक्तियों को हरतालिका तीज पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हरतालिका तीज का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष पिछले 22 वर्षों से हो रहा है। 22 वर्ष पूर्व यह हमारी माता बहनें जो व्रत रखती है हरतालिका तीज पर, पहले फिल्मी गानों पे हुआ करता था, लेकिन लोक संस्कृति मंच में पिछले 22 वर्षों से इसे भजन संध्या के रूप में किया है और संभवतः ये इंदौर की नहीं मध्य प्रदेश की देश की सबसे बड़ी हमारे माता बहनों की भजन संध्या है, जो कि रात भर भजनों पर थिरकती हैं। तो एक अनूठा माहौल है जो देश में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो एक हाथ हरतालिका तीज है और सवेरे कल गणेश चतुर्थी है। ये चतुर्थी के पूर्व संध्या तीज का जो त्यौहार रहता है, जो हमारी खासकर माता बहनें उपवास रखती है, निर्जल उपवास रखती है, उसका ये आयोजन है और ये बड़े पैमाने पर इंदौर में। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में हरतालिका तीज का रथ जगा राजवाड़ा चौक में बेहद खास होता है, जहां निर्जला व्रत के बावजूद यहां भजनों की स्वर लहरियां और आतिशबाजी के बीच महिलाओं और युवतियों की भक्ति का उत्साह देखने मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।